सेब न सिर्फ रियासत की मेवा सन्नत को और बिलखसूस सेब की पैदावार को रिकॉर्ड सतह पर ले जाने का बाइस साबित हो गया। इस स्कीम को पब्लिक प्राइवेट इश्तराक के एक मुनफरद कदम से न सिर्फ पैदावार में इजाफा होगा बल्कि इससे हमारे सेब की पैदावार ने हमें जिंदा रखा। दूसरा मेरा वो जो बाग वाला है किसान, पता नहीं कैसे हुआ जो ड्राइवर आया जो ट्रक लेके आया तो उसने वहां मंडी में और इनकम जो है उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लाख रुपए से ऊपर जो है ना बर्क नागुल्टी आपको इनकम आएगी। ये सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी और डिफरेंट लाइन में ये टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। बेसिकली इस तरह का आर्चर मैनेज करना इससे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसको एक वो वहां मिलेगा। दूसरा ट्रांसपोर्ट है को इसके लिए सीए स्टोर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, वो सीए स्टोर्स को जो है ना ताकि उसको रोका जाए पड़ेगा। और सीए स्टोर में हमने एक एनालिसिस देखा है कि उसमें अगर आप 4 महीने रोक के अगर 10 रुपये आप खर्चा करते हैं तो आपको 25-30 रुपये का और मुनाफा मिलता है। 25-15 रुपये है तो हमारा जो गिरान है जिसको आप बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में वो भी बढ़ेगा, हमारा सी ग्रेड भी बढ़ेगा। तो उसके लिए फ्रूट इंडस्ट्री जो है ना प्रोसेसिंग चाहे हड़ताल हो सरकार पे ध्यान दून हॉर्टिकल्चर सेक्टरस पे, अगर सरकार हॉर्टिकल्चर सेक्टरस पे सही पे ध्यान दिए दिल्ली मम कम कलम वन तिस पर्यन तथ लग वक्त मगर बहुत ये सरकार अपील कर 82% पीपल लूक अत इंडस्ट्री पे पकान मगर पत्मे त्रन वर्य मैं किसी के मुखालफत नहीं करना चाहता हूँ। लाइला इल्लल्लाह मोहम्मद। जब तक हम नवा बनाएंगे ये कश्मीर क्या खाएगा, ये गरीब लोग क्या खाएंगे तब तक? अगर मैं पुराने बाग को खत्म करूं तो नवा कब तैयार होगा? एक पॉइंट। मैम महबूबा मुफ्ती साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन सईद अल्ताफ बुखारी साहब, रेस्पेक्टेड निजामुद्दीन भट्ट साहब वाइस चेयरमैन स्टेट हॉर्टिकल्चर, रेस्पेक्टेड एम एच मलिक साहब सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर जे एन के गवर्नमेंट, खादी विलेज बोर्ड के जनाब मंसूर साहब, जनाब चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक हॉर्टिकल्चर के सेक्रेटरी जनाब मलिक साहब, यहाँ मौजूद वाइस चांसलर सुकास्ट खुर्शीद आलम साहब ऑनरेबल एमएलसी और सीनियर अफसरान बैंक के अफसरान, और सबसे ज़्यादा इस इज्तिमा की रौनक हमारे ग्रोवर किसान और जो कस्टमर हैं जम्मू कश्मीर बैंक के। जनाब मुफ्ती साहब के विजन के बाद जो यहाँ आपके सामने था शुरुआत में ही, मैं नहीं समझता हूँ कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे कोई ज़्यादा कहने की गुंजाइश है। उन्होंने जिस आम फाम मेरा जन्म उस घर में हुआ है जो अभी तक भी इसी पेशे से वाबस्ता रहा है। आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है कि आपने मुफ्ती साहब का वो ख्वाब पूरा किया जो उन्होंने इस सेक्टर के बारे में देखा था। ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन एक गेम चेंजर होगी, लेकिन मेरी अपने भाइयों से एक अपील है कि इसमें काम आपको करना पड़ेगा। बैंक लोन देगा, डिपार्टमेंट दरक देंगे, लेकिन मेहनत आपकी चाहिए। अगर आपकी मेहनत उसमें नहीं जाएगी तो इसकी कामयाबी की हम में से किसी को उम्मीद नहीं। हमें एक आदत है कि हम सोचते हैं हमने लगाया अब ये खुद चलेगा। खुद चलने वाली इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है,
आपको टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दे सकता है, पैसा बैंक दे सकता है, बैंक का पैसा भी हमें ही वापस करना है। ऑर्चर्ड की कामयाबी भी हमारी मेहनत पे मुंसलिक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि महबूबा जी की सरबराही में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जो नकूश मुकर्रर किए हैं इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरे होंगे। इस डिपार्टमेंट की अच्छी वर्कफोर्स है, टेक्निकली इस डिपार्टमेंट पे काफ़ी मेहनती लोग हैं। हमारी शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनका फ़ायदा उठाया जाए। मैं अपने किसान भाइयों से ये कह रहा हूँ, नॉट एड्रेसिंग किसी और को, हम हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं। हमारे साथ दिक्कत है, हम समझते हैं कि हम ज़्यादा जानते हैं। ये साइंसदान क्या जानता है, मैं उस मोल की यही करा, एम्स क्या पता, एम चाहे मैं कौन ज़्यादा पता, कर छकुन दवा क्या गुड़ाई करें, क्या कटाई करें, मैं नहीं पाया वक़्त बद दिया अष्ट हेचो अष्ट मर ने किसदा मस्ता मत हेचो अगर इस हेचो इस गो कामयाब खुशी आज जे के बैंक चेयरमैन तक प्रोग्राम सत तो इन सत अखवास कर चूंकि जे के बैंक शिफ्ट जाए।